हेलो दोस्तों, आपको हम आज रेलवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह और उनके अर्थ बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला है सावधानी संकेतक बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, कॉशन इंडिकेटर बोर्ड जिसको बोलते हैं। दोस्तों आपको बता दें, तीर के आकार का यह बोर्ड होता है, जिसमें बाएं एवं दाएं की ओर इंगित करता है। दोस्तों ये बोर्ड ट्रैक पर चल रहे जो भी काम है, अस्थाई काम हो या अस्थाई काम हो, इंजीनियरिंग जो काज होते हैं, ट्रैक का मेंटेनेंस का काम हो, उसके लिए विशेष प्रतिबंध या सावधानी बरतने के लिए संकेत देते हैं। दोस्तों यानी तीर की दिशा बताती है कि विशेष प्रतिबंध किस ट्रैक पर काम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये आमतौर पर काले और पीले निशान वाले होते हैं दोस्तों, और जिस डंडे पर इस तीर को लगाया जाता है वह काले और सफ़ेद रंग का होता है। जी हाँ दोस्तों, और पुराने ज़माने में इस इंडिकेशन बोर्ड पर दो लैंप लगे होते थे, ताकि दूर से ही रेलवे ड्राइवर को ये पता चल जाता था कि पीले रंग की पट्टी को रोशन करते थे और दूर से दिखाई देता था, जो सावधानी के संकेतक को बताते थे दोस्तों। लेकिन अब इन बोर्ड को ऐसे पेंट से रंग दिया जाता है, वो रात में रोशनी पड़ने पर स्वतः चमकने लगता है दोस्तों। और सावधानी संकेतक बोर्ड जो होता है, आमतौर पर जो गति संकेतक बोर्ड होता है, स्पीड रेस्ट्रिक्शन बोर्ड होता है, उसे 700 मीटर पहले लगाया जाता है, या फिर वास्तविक कार्य स्थल जहाँ पर मरम्मत का कार्य हो रहा होता है उससे 800 मीटर पहले लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह बोर्ड केवल ट्रेन के ड्राइवर के लिए बनाए गए हैं। ट्रेन के ड्राइवर इसे देखते ही समझ जाता है कि आगे गति संकेतक बोर्ड लगा हुआ है और आगे इंजीनियरिंग काम चल रहा है, इसी चलते इसे ट्रेन को धीमा कर देता है, और ताकि सावधानी पूर्वक इस कॉशन इंडिकेटर को पार कर सके। तो है ना कमाल की जानकारी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय भारत, जय जय नरेंद्र मोदी।